हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाइयाँ। कान्हा जी का बर्थडे है आज, तो भाई साफ सफाई और ये सब तैयारियाँ चल रही हैं और खाना बनाने की तैयारी भी चल रही है, साथ साथ झाड़ू पोछा हो चुका है और मैंने अभी खीर चढ़ा दी है। खीर बन रही है और फिर शायद या तो कचौड़ी बनाऊंगी या तो पूड़ी बनाऊंगी, वो थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी सुबह का तो हो गया है नाश्ता वाश्ता और भूख भी लग गया है, अब दोपहर में बनाऊंगी मैं। बट खीर चढ़ा दिया ताकि खीर बन के ठंडी होने के लिए रख देंगे। और कल रात भर जग के ड्रेसेस बनाने की तैयारी चल रही थी और रात को कितना 3 साढ़े 3 बजे मशीन की सुई टूट गई और मेरे पास एक्स्ट्रा सुई थी भी नहीं, तो भाई वो काम पूरा ठप हो गया। अब आधी ड्रेस बनी हुई रखी है, आधी और बनानी है। अब जाके मैं ड्रेस बनाऊंगी। एकदम एंड टाइम पे भगदड़ हो गई है अब की बार तो। गजब ही मज़े लिए हैं कान्हा जी ने पूरे पूरे। खैर चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। अभी मंदिर की भी सफाई करनी है तो फटाफट लगते हैं काम में, साथ साथ खीर बनती रहेगी और मंदिर की सफाई कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि मंदिर वाला रूम भी क्लियर हो जाए और साफ हो जाए मंदिर भी, क्योंकि पूरा कपड़े वपड़े सब चेंज होंगे भगवान के, तो वो सब काम करना है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। खाना भी रेडी हो रहा है अभी तो ना। ये तो मैंने बच्चों के लिए चावल बना दिए हैं और यहाँ पर इनकी ना वेजिटेबल्स बॉईल कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे से मैश कर दूंगी चावल के साथ में और दही डाल के इनका भी खाना रेडी हो गया है। खीर भी मेरी बन चुकी है और पूड़ियाँ तो तुरंत ही बनेंगी जब भी खानी होंगी, तो ये भी हो जाएगा। सब्जी भी मेरी बन चुकी है, बहुत थोड़ी सी बनाई है क्योंकि खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा होगी नहीं रात में 12 बजे, तो 12 साढ़े 12 1 बजे कहाँ खाना खाया जाएगा। तो मैंने सिर्फ ही ज़रा सी सब्ज़ी बनाई है बस, कि भोग लग जाए और अपना काम हो जाए। और पूड़ियाँ उसी समय सिक जाएंगी गरम गरम। हालत एकदम ऐसी हो रही है, क्या ही बोलो यार। और बारिश बारिश तो मतलब रुक ही नहीं रही है। देखिए अभी भी बारिश हो रही है, कितनी तेज, इधर से नहीं दिखेगा। ये देखो पूरा भीग रहा है सब, और मौसम देखिए कैसा हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये रात तक क्या सुबह तक भी खुलेगा, इतनी तेज अभी भी बारिश हो रही है। एक सेकंड के लिए बंद नहीं हो रही है बारिश, पता है, मतलब लगातार तेज हो रही है, कम हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है। अभी जैसे थोड़ी सी कम हो गई है, अभी तेज हो रही थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, अब वापस से थोड़ी देर में तेज हो जाएगी 15-20 मिनट में। तो यही चल रहा है, बारिश भी काम नहीं करने दे रही है। थोड़े बहुत बाहर अभी तो हार फूल लाने भी जाना है मार्केट, अब देखिए जाने कैसे जाया जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मेन मार्केट में ही है वो एक जो शॉप है अच्छी, जहाँ सर लेकर आते हैं, वो थोड़े से मेन मार्केट में है, तो वहाँ पर क्या होता है कि गाड़ी नहीं जाती है, बाइक से जाना पड़ता है। तो इसी चक्कर में अब बारिश बंद हो तो बाइक से जाया जाए, नहीं तो फिर अब गाड़ी लेकर जाएंगे मार्केट के बाहर कहीं खड़ी करेंगे और फिर पैदल पैदल छाता लेके जाया जाएगा। आज तो नहीं बंद हो रहा, भगवान ने पूरे मज़े ले लिए हैं इस बार मेरे। ड्रेस को लेके भी देख लीजिए, एंड टाइम तक अब जाके तैयार हुई है ड्रेस शाम पड़े। ये देखो कहाँ गीले में भाग रही है, वापस आ जा जिनी। बेटा घर पूरा गंदा कर दो तुम गीले पैरों से, है ना। इनको सुनता थोड़ी है यार, ये लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। देखो अभी मैंने झाड़ू पोछा करके सब साफ किया है, तो गीले पैर ले जाके और वापस कर रही है। मैं दरवाजा ही बंद कर देती हूँ, ज्यादा अच्छा है। चल तो बैठ अंदर, मैं दरवाजा ही बंद रखूंगी अब, ना बाहर जाओगे ना घर गंदा करोगे। क्या है ये है, यहाँ काम कर करके हालत खराब हो गई है, इनके मजे ही नहीं खत्म। वो देखो कैसे मजे से सोया पड़ा है। जूजू ऊपर सो रही है, ये मैडम यहाँ बगी घूम रही है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है।
इनका सही है यार, ना कोई काम करना पड़ता है ना कुछ है, खाना पीना रेडी मिल जाता है, बिस्तर मिल जाते हैं, खाओ पियो सो जाओ, उठ के खेलने की इच्छा हो खेल लो। चलो भाई बचा हुआ काम करते हैं। अब मुझे करना है मंदिर, थोड़ा सा डेकोरेट करना है, मतलब बैठने की जगह बनाती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, रात होने वाली है और अब हालत एकदम ड्रेन हो चुकी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बच रही है, बट थोड़ा सा तो करना है, ज़्यादा नहीं करूँगी कुछ, थोड़ा सा आसन वगैरह उनका लगाती हूँ और फिर पूजा का सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ मंदिर में ही, ताकि रात को भाग दौड़ नहीं होगी, सब पंचामृत वगैरह बना के रख देती हूँ। चलिए काम करते हैं। और ये हमारे लाला और लाली का आसन तैयार हो गया है। ज़्यादा कुछ इस बार मैं डेकोरेशन नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत भी इतनी साथ नहीं दे रही थी, और इस बार ड्रेसेस का कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो गया था, वो बिल्कुल एन मोमेंट पर ही रेडी हो पाई, तो बस ये थोड़ा सा मैं तैयार कर पाई। और अब ये रात के 12 बज चुके हैं, कान्हा जी का जन्म हो चुका है और अब इनको पंचामृत से हम लोग स्नान करा रहे हैं। ये देखिए आप, अभी दिन में जो तैयार होकर बैठे थे अभी वैसे ही हैं, अब इनको स्नान कराना शुरू कर दिया है अजय ने, पंचामृत से स्नान करा देंगे। बहुत ज़्यादा देखिए पूजा पाठ उतना ज़्यादा आता नहीं है, विधि किस तरीके से होती है, ये पूजा तो सिर्फ भाव की है, तो जिस भाव से हम पूजा करते हैं प्रभु वो स्वीकार करते ही हैं, तो बस जैसा भी आता है वैसा हम कर लेते हैं। तो ये हमारे लालाओं का हो गया है स्नान, राधा रानी तैयार होकर बैठ चुकी हैं अपने आसन पर, उनके दर्शन में अभी आपको थोड़ी देर के बाद कराऊंगी, सभी के दर्शन साथ में ही कराऊंगी। तो स्नान करा देते हैं और उसके बाद मुझे दोनों लालाओं को तैयार भी करना है। तो आप बताइएगा कि मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अभी देखिए कितना रूप चढ़ रहा है, जब तैयार होंगे तो सोचिए कितने प्यारे लगेंगे। और आज मेरी राधा रानी के तो क्या ही कहने, लग रहा है कि कान्हा जी के जन्मदिन पर जो है ना वो राधा रानी को ही रूप चढ़ा है, इतना सुंदर लग रही हैं दोनों की दोनों, बहुत ज्यादा। तो चलिए फटाफट मैं आपको दर्शन कराती हूँ। नजरिया